सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक्निकल सन एरिया यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग को जरूर पता चल चुका होगा कि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ। जी दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशल है जिसने वेबसाइट के ऊपर इंटरेस्टेड हो, ठीक है, जिसने वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं या फिर बनाना चाहते हैं, तो आप सभी लोग के लिए ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड बहुत हेल्पफुल भी होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग बताने वाला हूँ कि आप अगर आप लोगों ने कोई भी एक वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों का खर्चा कितना रुपये आता है और वो भी हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। दोस्तों, वेबसाइट आप लोगों ने दो तरह का यहाँ पर बना सकते हैं एंड दो प्लेटफॉर्म है क्योंकि बनाने के लिए। सबसे पहला वाला जो प्लेटफॉर्म है वो फ्री है, ठीक है, कुछ आप लोगों को पैसा यहाँ पर चार्जेस लगता है, इन्वेस्टमेंट लगता है, लेकिन और एक जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आप लोग 100% पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। 8 से 10 हज़ार रुपये यहाँ पर वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पर खर्चा आता है। अगर आप लोग कोई भी हाई फाई जो कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन वगैरह देखने में मिलता है, तो वैसे आप लोग कोई भी हाई फाई यहाँ पर कोडिंग की मदद से, प्रोग्राम करके कोडिंग की मदद से आप लोगों ने एडवांस कोई भी हाई क्वालिटी का वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर इस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, और डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना पैसा आपका यहाँ पर खर्चा होगा। लेकिन मैं आप लोग जो बताऊंगा, सबसे सस्ता के अंदर एंड लो प्राइस के अंदर काफ़ी अच्छा प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है, और आप लोगों ने उस वेबसाइट को बना के आप लोगों ने अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं, क्योंकि मैं अभी कमा रहा हूँ और उसका प्रूफ भी मैं आप लोगों को दिखने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। इसलिए इस वीडियो पर बना रहिए एंड वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए। सो मैं चले वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आप लोगों को जो वेबसाइट बनाना है, जो कि फ्री का प्लेटफॉर्म है, जो कि गूगल का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो कि blogger.com, ठीक है, ये जो blogger.com है ये गूगल का प्रोडक्ट है, इस गूगल कंपनी का प्रोडक्ट है। आप चाहे तो इस blogger.com के अंदर जाके अपना वेबसाइट बना सकते हैं। सिर्फ आप लोगों को एक डोमेन नेम परचेस कर लेनी है, जैसे कि यहाँ पर .com, .in, .net, ठीक है, .xyz, etc, 500 से 700-800 रुपये के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आप लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से उस blogger.com का जो वेबसाइट है वहाँ पर आप लोगों ने साइट क्रिएट करके उस डोमेन को कनेक्ट करके आप लोगों ने एक ब्लॉग के माध्यम से आप वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। बहुत लो प्राइस के अंदर आप लोगों ने आपका जो वेबसाइट है तो वहाँ पर रेडी होकर आ जाएगा। अगर आप लोगों ने कोई भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं बहुत लो प्राइस के अंदर, तो आप लोगों ने जरूर मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरे थ्रू आप लोगों ने वेबसाइट को बना सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग को मिल जाएगा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। आप चाहते जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपना वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है। ये आपका फ्री का प्लेटफॉर्म है, आप लोगों ने बहुत लो प्राइस के अंदर आप लोगों का वेबसाइट बना के रेडी हो जाएगा। अगर आप लोग वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप लोग को डोमेन का भी जरूरत पड़ता है और वेब होस्टिंग का भी जरूरत पड़ता है, ठीक है, और बहुत सारे थीम्स वगैरह आता है, प्लगइन वगैरह आता है, वो भी जरूरत पड़ता है। तो वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर खर्चा आ सकता है, जैसे कि लगभग यहाँ पर 8 से 10 हज़ार रुपये के अंदर आप लोगों का जो वर्डप्रेस के अंदर जो वेबसाइट है वो रेडी होकर आ जाता है। अगर वर्डप्रेस के अंदर भी आप लोगों को कोई भी वेबसाइट बनाना है तो जरूर वो भी मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने लो प्राइस के अंदर बहुत यहाँ पर चीप प्राइस के अंदर, ठीक है, बहुत चीप प्राइस के अंदर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं और वहाँ से कोई भी अर्निंग करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले ब्लॉगर के अंदर वेबसाइट बना लीजिए। लेकिन आप लोगों का ब्लॉगर के अंदर आप लोग खर्चा भी बहुत कम आता है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास पैसा नहीं है, आप सिर्फ काम चलाने के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा ब्लॉगर के अंदर जाने के लिए, ठीक है, और मेरे थ्रू कोई भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो जरूर मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लोग मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो अभी बहुत सारे लोग आप समझ में नहीं आता है और बहुत सारे मतलब कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, ये जो वेबसाइट वगैरह है वो एक्चुअली क्या होता है और जो डोमेन नेम वगैरह हो गया, उसको जो वेब होस्टिंग वगैरह हो गया वो एक्चुअली काम कैसे करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक कुछ जानकारी दे देता हूँ। ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो उसके पर वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप दूसरा कोई वीडियो बनाऊंगा और वहाँ पर डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो अभी सिंपली मैं आप लोग बता देता हूँ कि व्हाट इज डोमेन नेम, ठीक है, व्हाट इज डोमेन नेम। दोस्तों, जो डोमेन नेम है वो एक नाम हो गया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे जो यूट्यूब चैनल है वो टेक्निकल सानू, टेक्निकल सानू नाम पर मैंने यूट्यूब चैनल रखा हूँ। मेरा एक ऑफिशियल ब्लॉग भी है यानी वेबसाइट भी है जो कि www.technicalsanu.com, ठीक है। आप लोग गूगल के अंदर जाके या फिर कोई भी ब्राउजर के अंदर जाके technicalsanu.com सर्च करोगे तो सबसे पहले आप लोगों को मेरा ऑफिशियल वेबसाइट देखने के मिल जाएगा, ठीक है। तो वो वेबसाइट मैं ब्लॉगर के अंदर होस्ट किया हूँ। अगर आप लोग ब्लॉगर के अंदर वेबसाइट बनाते हैं तो वहाँ पर कोई भी होस्टिंग का जरूरत नहीं पड़ता है। आप जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह डाटा वगैरह यहाँ पर अपलोड करते रहते हैं, ठीक है, आर्टिकल वगैरह लिखते रहते हैं और इमेजेस या फिर म्यूजिक वगैरह जो भी अपलोड करते रहते हैं वो ब्लॉगर का जो गूगल ड्राइव होता है आपका जीमेल का, उस गूगल ड्राइव के अंदर डेटा स्टोर के रह जाते हैं। तो वहाँ पर कोई भी वेब होस्टिंग का यूज़ करने का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन वर्डप्रेस के अंदर आप लोगों का वेब होस्टिंग का जरूरत पड़ता है जो कि आपका डेटा स्टोर करने के लिए। और ब्लॉगर का एक एक्सटेंशन यहाँ पर डोमेन नेम भी है जो कि .blogspot.com, ठीक है। आप चाहे तो फ्री जो डोमेन है उस फ्री डोमेन के अंदर भी काम कर सकते हैं,
लेकिन वहाँ पर उसका जो डोमेन नेम है वो बहुत बड़ा देखने को मिलता है और यहाँ पर प्रोफेशनल देखने को नहीं मिलता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा जो ये technicalsan.com जो डोमेन नेम है, तो वहाँ पर मैं कोई भी, यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ मैं यहाँ पर कोई भी डोमेन नेम परचेस नहीं किया हूँ। देखिए www.technicalsan.blogspot.com, ये जो आप लोग डोमेन नेम यहाँ पे सुन रहे हो, बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ये डोमेन नेम बहुत ज़्यादा बड़ा देखने को मिल रहा है, ठीक है, और ये प्रोफेशनल देखने के नहीं मिल रहा है। ये आपका गूगल का प्रोडक्ट है, कोई भी मैं डोमेन नेम कनेक्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो बिल्कुल फ्री में .blogspot.com जो ये जो बिल्कुल फ्री डोमेन है, वहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं, वहाँ पर भी अच्छा खासा अर्निंग भी होता रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रोफेशनल तरीके से एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने डोमेन का जरूरत पड़ता है और डोमेन नेम परचेस करते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डोमेन नेम। अभी वेब होस्टिंग, व्हाट इज वेब होस्टिंग, ठीक है, वेब होस्टिंग क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बेसिक जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों होस्टिंग होगा एक आपका, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका कंप्यूटर का SSD स्टोरेज, अभी हार्ड डिस्क नहीं चलता है, अभी SSD यहाँ पर चलता है, ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोग को SSD को यहाँ पर एग्जाम्पल के हिसाब से बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर 1 TB SSD है, तो वहाँ पर आपका उस 1 TB SSD के अंदर बहुत सारे डेटा आप लोग रखते हैं, लाइक म्यूजिक, फोटोज, वीडियोस, ठीक है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, डेटा वगैरह आप लोग स्टोर करके रखते हैं। तो वैसे आप लोगों ने आपका उस वेब होस्टिंग को ऑनलाइन परचेस करना पड़ेगा, कोई भी यहाँ पर वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर का जो कंपनी है वहाँ पर आप लोग को परचेस करना पड़ेगा। लगभग यहाँ पर 1 साल के अंदर कोई भी यहाँ पर बाई करते हैं, तो वहाँ पर आप लोग को 2 से 3 हज़ार रुपये के अंदर मिल जाता है वेब होस्टिंग। तो वो वेब होस्टिंग आप लोग का आपका वेबसाइट के अंदर कनेक्ट करना पड़ता है, और डोमेन नेम भी कनेक्ट करना पड़ता है। उस बाद आपका वर्डप्रेस के अंदर जो भी वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, उस वर्डप्रेस का वेबसाइट के अंदर जाके आप लोगों को डोमेन नेम, उसके बाद आपका होस्टिंग कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, सब कुछ। उसके बाद प्लगइन वगैरह इंस्टॉल करने के बाद आप जो भी आर्टिकल वगैरह लिखोगे, उस होस्टिंग का स्टोरेज डिवाइस के अंदर आपका डेटा स्टोर होकर रह जाता है, ठीक है, और स्पेशली वेब होस्टिंग सिर्फ आप लोगों का जो भी डेटा है उस डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये हो गया आपका वेब होस्टिंग और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन ब्लॉगर के अंदर वेबसाइट बनाने के लिए आपका जो भी डेटा स्टोर करोगे, तो वो गूगल का जो गूगल ड्राइव होता है, तो वहाँ पर आपका डेटा स्टोर होता है, तो इसलिए ब्लॉगर के अंदर बहुत चीप प्राइज में एंड लो प्राइज में आपका वेबसाइट बना के आ जाता है, ठीक है। तो चाहे आपका ब्लॉगर के अंदर वेबसाइट बनाओ या फिर वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट बनाओ, तो किसी भी तरह आपका कहाँ पर भी आपका किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर वेबसाइट बनाना है मेरे थ्रू स्पेशली, तो आप लोग ने मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फोन नंबर आप लोग मिल जाएगा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, तो आप लोगों ने जरूर मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं एंड मैसेज भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप लोग कॉल के अंदर भी बात कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग सबके समझ में आ चुका होगा, ताकि आपका जो ब्लॉगर हो गया उसका तो वर्डप्रेस हो गया, ठीक है, और स्पेशली हमारे इंडिया के अंदर कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए आपका कितना रुपया खर्चा आता है, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को मेरा कंप्यूटर का स्क्रीन के अंदर ले जाऊंगा, ठीक है, और मेरा जो अर्निंग प्रूफ है वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी दूंगा और डिटेल्स में लाइव प्रूफ साथ दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन के अंदर। तो दोस्तों फाइनल आ चुका मैं मेरा कंप्यूटर के स्क्रीन के अंदर, एंड कंप्यूटर के स्क्रीन के अंदर आने के बाद सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मेरा ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। तो इसमें मैं यहाँ पर गूगल को ओपन कर लूँगा, एंड गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पर सिंपली सर्च कर लूँगा यहाँ पर technicalsan.com, ठीक है, या फिर सिंपली यहाँ पर technicalsan.com, ये देख सकते हो दोस्तों सबसे पहला आ चुका है technicalsan.com, उस वेबसाइट को सिंपली ओपन कर लूँगा, ठीक है, एंड वेबसाइट अभी आप लोग देख सकते हैं। और ये वेबसाइट मैंने होस्टिंग मतलब होस्ट किया हूँ ब्लॉगर के ऊपर, और वेबसाइट का डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं पूरे पूरा यहाँ पर जो वर्डप्रेस वेबसाइट है ना, उस वर्डप्रेस वेबसाइट जैसा यहाँ पर डिज़ाइन किया हूँ मैंने, यहाँ देख सकते हैं आप लोग खुद डिज़ाइन किया हूँ, यहाँ पर देख सकते सब कुछ, ये सर्च बार एंड यहाँ पर देख सकते हैं सोशल प्लगइन एंड आर्टिकल वगैरह यहाँ पर देख सकते बहुत सारे, ठीक है, ये देख सकते हैं साइड लेवल, ठीक है, सब कुछ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये होम, टेक न्यूज, मेगा मेनू, हाउ टू टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पर देख सकते हैं, रिचार्ज ऑफर एंड यहाँ पर देख सकते हैं नाइट मोड भी कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है, कितना अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हूँ। और उसका स्पीड भी आप लोग चेक करके देख सकते हैं खुद, यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, और ये आपका गूगल का जो एडसेंस है वो एडसेंस भी अप्रूवल है, स्पीड आप लोगों ने देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, सेट के स्पीड भी आप लोगों ने देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, देख सकते हैं ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड मेरा वेबसाइट है, आप लोग खुद देख सकते हैं, ठीक है। और इस वेबसाइट के अंदर मेरा एडसेंस अप्रूवल भी है, ठीक है, मतलब मोनेटाइज है, गूगल की तरफ से मोनेटाइज है वेबसाइट,
और मैंने ऐड ब्लॉकर से उसको ऐड ब्लॉक करके रखा हूँ, तो चलिए एडवर्टाइज नहीं आ रहा है, तब भी मैं आप लोग दिखाया देखो भाई उसको बंद करके, तो उसे मैं इसको बंद कर देता हूँ। ओके, उसके बाद देखिए अभी गूगल का जो एडवर्टाइज है वो आ जाएगा। आर्टिकल लिखने के बाद आप लोगों को खुद आर्टिकल लिखना पड़ता है, उसके बाद आप लोगों को आर्टिकल को इंडेक्स करना पड़ता है, ठीक है। एंड इंडेक्स करने के बाद आपका जो वेबसाइट है, ठीक है, वो वेरीफाई करेगा गूगल की तरफ से, और वेरीफाई करने के बाद आपका अप्रूवल मिलेगा। अप्रूवल मिलने के बाद आपका एडवर्टाइज आने लगेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एडवर्टाइज आ चुका है, उसको उस एडवर्टाइज को क्लोज करके मैं आप लोग दिखा देता हूँ। सिर्फ यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉप से एड्स, यहाँ पर देख सकते हैं एड्स बाय गूगल, और नीचे की तरफ भी यहाँ पर एडवर्टाइज देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं एड्स बाय गूगल, एंड यहाँ पर भर भर के एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है। अभी मैंने एडवर्टाइज को यहाँ पर बंद करके रखा था, तो इसलिए नीचे की तरफ भी एडवर्टाइज देखने के नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर आप लोगों को आपका एक खुद का विषय बना के अपना अच्छा खासा इनकम भी कर सकते हैं। अब मैं आप लोग को एडसेंस ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर एडवर्टाइज आप लोग देख सकते हैं भर भर के आ रहा है, तो अभी एडसेंस को ओपन कर लेता हूँ एक बार। देखिए दोस्तों ये मेरा नया वेबसाइट है, तो इसलिए आनी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर 2 डे शो फॉर, यहाँ पर देख सकते हैं $2.11, एंड ये सैटरडे यानी कल $3.69 अर्निंग हुआ था, और दिस मंथ यहाँ पर देख सकते हैं $5.84, और लास्ट पेमेंट मेरा हुआ था यहाँ पर देख सकते हैं $126, ठीक है। इसको मैंने सिंपली एक बार नीचे की तरफ जा रहा हूँ, एंड फुल एनालिटिक मैं आप लोग चेक कर दिया देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं पेज व्यूज, यहाँ पर देख सकते हैं 393 लास्ट 7 डे, एंड पेज आर पी आप लोग देख सकते हैं, और सी पी सी एंड क्लिक वगैरह आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सबके आप लोगों को डिटेल्स में यहाँ पर देखने मिल रहा है, आप लोग लाइव देख सकते हैं। देखिए आज का मैं अर्निंग दिखाया था, यहाँ पर देख सकते हैं परफॉर्मेंस 2 डे देख सकते हैं, पेज भी देख सकते हैं 336, एंड पेज आप लोग देख सकते हैं, सी पी सी आप लोग देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर देखिए अच्छा खासा हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग ने अर्निंग कर सकते हो बहुत आसान तरीके से आपने आपका खुद का वेबसाइट बना के। अगर आप लोग वेबसाइट बनाना चाहते हैं जरूर मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर आप लोग वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट बनाना चाहते हैं खुद, ठीक है, तो वो भी मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को जरूरत पड़ता है डोमेन नेम और वेब होस्टिंग। अगर आप लोग वेब होस्टिंग परचेस करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि होस्टिंगर से वेब होस्टिंग परचेस कर लो, ठीक है। आप लोगों को 12 महीने के लिए यानी 1 साल के लिए आपको 2.5 से 3 हज़ार रुपये के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और मेरा आप लोगों को वीडियोस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, मतलब रेफर लिंक देखने मिलेगा, उस रेफर लिंक के थ्रू आप लोग वेब होस्टिंग परचेस करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे डिस्काउंट देखने के मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर मुझे भी कुछ थोड़ा सा कमीशन भी मिल जाएगा। तो स्क्रीन के अंदर आप लोगों को ये रेफरल कोड देखने मिल रहा है, ठीक है, और वीडियोस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक भी देखने को मिल जाएगा। आप चाहते जरूर उस लिंक के थ्रू वेब होस्टिंग को परचेस कर सकते हैं। आई होप आप लोग सबको समझ में आ चुका होगा। कोई भी सवाल आता है तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए ना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और चैनल नहीं हो तो फटाफट नीचे सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा इस वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोग सबसे पहले मिलता रहेगा। सो चला आज के दिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नेटवर्क जो तब तक के लिए जय हिंद।